बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सबको पसंद है, पर बहुत से लोग ये नहीं जानते कि किस फंडामेंटल्स को और किस तरीके से बैंक में इन्वेस्ट किया जाता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे रेशियोज बताने जा रहा हूँ जो किसी बैंक में इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान में रखने पड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पांडे और स्टार्टअप टॉक्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बैंक में बहुत से रेशियोज होते हैं जो देखे जाते हैं, जैसे कि कासा रेशियो हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया और सीएआर रेशियो हो गया और बहुत से रेशियोस। तो मैं आपको कुछ सारे तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता पाऊंगा, इसलिए मैं इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो आज मैं आपको जो मेन होते हैं वो रेशियोज आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला जो रेशियो आता है वो है कासा रेशियो। कासा रेशियो मतलब कैपिटल अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो, मतलब किस बैंक के पास कितने परसेंट करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स हैं। जैसे कि HDFC बैंक के केस में हम देखें तो इनके पास 42.38% कासा रेशियो है। इसका मतलब कासा रेशियो इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि कासा रेशियो से करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है उनमें इंटरेस्ट बहुत कम देना पड़ता है, तो बैंक को पैसा बहुत सस्ते में मिल जाता है, इसलिए कासा रेशियो देखा जाता है। और अगर देखा जाए तो कासा रेशियो जितना ज्यादा अच्छा हो उतना ज्यादा अच्छा बैंक के लिए होता है, क्योंकि उनको जो पैसा मिला होता है वो बहुत कम होता है, बहुत कम इंटरेस्ट में देना होता है। और कहीं अगर दूसरे बैंक में देखा जाए तो कासा रेशियो, जो छोटे नए नए बैंक शुरू होते हैं वो कासा रेशियो अपना बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं सेविंग अकाउंट में। जैसे कि वो IDFC बैंक का वो पहले 7 इंटरेस्ट देता है अब अपने कासा रेशियो में, और जैसे कोटक महिंद्रा बैंक है वो अभी 7% इंटरेस्ट दे रहा था अपने उनमें 7% इंटरेस्ट दे रहा था कासा सेविंग अकाउंट में। अब वो जैसे ही कासा रेशियो उसका थोड़ा ग्रो होना शुरू हुआ, कासा रेशियो बढ़ा, उसने अपना इंटरेस्ट घटा के 5% कर दिया। जैसे कि हम SBI के केस में देखें, जो इंडिया का सबसे वेल एस्टेब्लिश बैंक है, वो अपने सेविंग अकाउंट में 3% का वो देता है, इंटरेस्ट देता है। वहीं अगर दूसरे बैंक के हम कासा रेशियोज देखें तो वो भी कुछ ऐसे ही है। जैसे कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में हम देखें तो इसका कासा रेशियो भी लगभग थोड़ा सा ज्यादा उससे है, क्योंकि इसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देके सेविंग अकाउंट्स में अपना कासा रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। वैसे ही हम किसी, जैसे आजकल IDFC बैंक बहुत ज्यादा कासा रेशियो दे रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है अभी हम देखते हैं। उस 7% का इंटरेस्ट IDFC बैंक इसलिए दे रहा है क्योंकि उनका कासा रेशियो देखिए वो है 12.93%, क्योंकि उनके पास कासा रेशियो परसेंट बहुत ज्यादा कम है, तो उनको अपना ज्यादा रेशियो देना पड़ रहा है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तब वो 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं अभी। अगला हमारा जो रेशियो आता है वो है नेट NPA, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब ये वो होता है कि जैसे मार्केट में HDFC बैंक में 100 रुपये लोन की तरह दे रखे हैं, ये वो परसेंट होता है कि कितना वो अपना लोन से पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे। जैसे कि मान लीजिए एक बैंक ने 100 रुपये मार्केट में लोन की तरह दे रखे हैं, तो वो 0.39% अपना लोन रिकवर नहीं कर पा रहे हैं 100 रुपये में से। जैसे हम HDFC बैंक का नेट NPA देखें तो वो 0.39%, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब वो अगर मार्केट में 100 रुपये लोन की तरह दे रहे हैं तो वो 0.39% रिकवर नहीं कर पा रहे, मतलब 39 पैसा वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर यही नेट NPA हम दूसरे बैंक से केसेस में देखें, लेकिन जो कि बहुत छोटे छोटे बैंक से, साउथ इंडियन बैंक के केस में हम ये देखें NPA देखें तो इनका NPA 3.45% है, जो कि कहाँ हम HDFC बैंक का 0.39%, जो कि 0.40 पैसे से भी कम है, और कहाँ इनका 3.5 पैसे के रुपए के आसपास। तभी एक HDFC बैंक दुनिया, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में सबसे अच्छे बैंकों में गिना जाता है। जैसे इनका NPA अगर हम देखा जाए तो वो है 3.45% 2019, मतलब एक साल पहले इतना परसेंट था, मतलब ये अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो 3.5 रुपये अपना रिकवर नहीं कर पा रहे, जो कि बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे ही हम दूसरे कोटक महिंद्रा बैंक के केस में देखें, जो बहुत अच्छा बैंक है प्राइवेट सेक्टर में अगर देखा जाए, तो इनका भी अगर NPA देखा जाए वो भी 0.75% है, जो कि बहुत, मतलब HDFC के साथ मिलता जुलता ही है। उसी तरह NPA परसेंट जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा अमाउंट अपना
जो लोन के तौर पर दिया है बैंक ने वो रिकवर कर सकती है। तो एक एनपीए भी बहुत जरूरी एक रेशियो होता है जो कि देखना पड़ता है जब हम बैंकिंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगला जो हमारा रेशियो आता है वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज पर से मतलब ये वो होता है कि टोटल में टोटल सेविंग अकाउंट मिला के, करंट अकाउंट मिला के और जो भी फिक्स डिपॉजिट एफडीज मिला के कितना परसेंट एवरेज में बैंक को अपना इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जो कि है अगर एचडीएफसी बैंक के केस में हम देखें तो 4.88% है। जो कि मतलब अगर इनने टोटल जो सारे अकाउंट जो इनने अपने पास रखे हैं उनका इनको 4.88% एवरेज इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। जो कि अगर ये कासा रेशियो ही नहीं, जैसे कासा रेशियो इस बैंक का 42.38% है, तो इनको 4.88% वो देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। जैसे कि अगर हम देखा जाए तो कोई कोई बैंक अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अकाउंट में जैसे 7% इंटरेस्ट दे रहे हैं और कासा रेशियो बहुत ज्यादा मेंटेन कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कासा रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा है तो बैंक भी बहुत ज्यादा अच्छा है। उसके साथ हमको कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज भी देखनी पड़ती है जो कि वो भी वेल मेंटेन होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कासा रेशियो ने 50% 60% कर लिया लेकिन कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज उनको अगर देखा जाए तो 10-10% एवरेज में इंटरेस्ट देना पा रहा है। तो ये नहीं कि वो बैंक अच्छा है, हमको कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज और जो कासा रेशियो है वो भी एक साथ देखना पड़ता है। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक का कासा रेशियो 52.50 जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है वो है, और इनकी कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज देखी वो भी वेल मेंटेन है, मतलब 4.991। तो अगर एचडीएफसी बैंक की देखी जाए तो वो ज्यादा ही नहीं, थोड़ी सी कम है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक से कम है। तो वहीं अगर हम कोई वैसा बैंक दूसरा बैंक देखें तो जैसे एचडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में देखें, क्योंकि ये अभी 7% अगर देखा जाए तो 7% इंटरेस्ट अपने सेविंग अकाउंट्स में दे रही थी। जैसे इनका कासा रेशियो देखा जाए तो 12.93% है, लेकिन इनका देखिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज अगर देखी जाए तो वो 6.23% है, मतलब इनको 6.5 के एवरेज में इंटरेस्ट देना पड़ रहा है जो कि उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो कासा रेशियो के साथ जब हम कासा रेशियो किसी बैंक का देखते हैं तो हमको कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज भी देखना जरूरी है। अगला जो हमारा रेशियो आता है वो है एडवांसेस ग्रोथ। एडवांसेस ग्रोथ मतलब कि एक बैंक कितनी तेजी से मार्केट में ग्रो कर रहा है। जैसे हम बताएं कि एचडीएफसी बैंक ने 100 रुपये पिछले साल लोन की तरह दिए थे और इस साल वो 124.47 रुपीज दे सकता है। इसका मतलब 24.47% की उनकी ग्रोथ हुई है। एडवांसेस ग्रोथ को ही इसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की वजह से भी डिफाइन हम कर सकते हैं। जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब कितना कैश, कितना पैसा इस बैंक के पास लोन देने के लिए है, जो कि इस बैंक एचडीएफसी बैंक के केस में देखें तो 17.11% इनके पास पैसा मार्केट में देने के लिए है। तभी जितना ज्यादा सीएआर परसेंट होगा उतनी तेजी से बैंक मार्केट में ग्रो करेगा, उतनी ज्यादा इनकी एडवांसेस ग्रोथ आएंगी। वहीं अगर हम कोई ऐसे बैंक देखें जिनकी सीएआर परसेंट उतना अच्छा नहीं है, जैसे कि हम साउथ इंडियन बैंक के बारे में देखें जो उतना ज्यादा तेजी से मार्केट में ग्रो नहीं हो पा रहा, उसके अगर हम केस में देखा जाए तो इनका सीएआर परसेंट है 12.61%, जो कि बहुत एक डेंजरस साइन है। क्योंकि 12 के आसपास या 12 से कम अगर किसी बैंक का सीएआर परसेंट होता है तो वो एक डेंजरस साइन है। अगर जैसे कि हमने बताया था कि सीएआर परसेंट अगर 12.61% है तो वहीं एडवांसेस ग्रोथ भी देखा जाए तो वही 14.90% हो जाती है। क्योंकि बैंक उतनी ज्यादा बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा है नहीं तो वो बैंक उतनी तेजी से ग्रो कर नहीं पा रहा, क्योंकि बैंक की लोन से जो इंटरेस्ट आता है उसी में मेन इनकम होती है। वहीं अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में देखा जाए कि वो उनकी इस पैरामीटर में कैसी हालत है, तो वो कोटक महिंद्रा बैंक एक इंडिया के बहुत अच्छे प्राइवेट बैंक्स में से एक है, तो बहुत अच्छी तरीके से अपने को ग्रो कर रहा है। तो इनका सीआर परसेंट देखा जाए वो भी एचडीएफसी से मिलता जुलता ही लगभग बराबर ही है, 17.45%, और इनकी ग्रोथ देखी जाए तो वो भी 21.20% है, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। क्योंकि इनके पास सीएआर परसेंट मतलब बहुत ज्यादा पैसा इनके पास अभी है लोन में देने के लिए, जितना ज्यादा बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा होगा उतनी ज्यादा अच्छे से बैंक ग्रोथ करेगा। तो ये सारे रेशियोज मैं आपको इस वीडियो में बताए हैं, आप थोड़े से जो रेशियोज बताए हैं बताने हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो
नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और आगे जो व्हाट्सएप नंबर आएंगे आप उनमें भी हम मेरे को कोई सजेशन हो या क्वेरी हो कोई, तो आप उसमें ही मेरे को बता सकते हैं, या आप कॉल भी कर सकते हैं मुझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि कोई भी मेरा वीडियो अगर मैं डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।